हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह आज अहमदाबाद में नहीं हूँ। आज गुजरात के ही एक सौराष्ट्र में राजकोट सिटी है और राजकोट से जो जामनगर हाईवे जाता है वहाँ जो मेरे पीछे आप पढ़ सकते हो वो आत्मनिम नेचर क्योर सेंटर है, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे साथ डॉक्टर जॉय कुमार और उनके वाइफ डॉक्टर विराज कुमारी, दोनों नेचुरोपैथ है। दोनों का एक्सपीरियंस आप बोलो तो सर का जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स है और मैडम का एक्सपीरियंस 28 इयर्स से नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उनके साथ अभी बात करेंगे। तो मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप मेरे व्यूअर्स को सिंपल लैंग्वेज में नेचुरोपैथी क्या है वो आप बताइए। डॉक्टर साहब ने एक अच्छी सी बात पूछी कि नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी खुद एक सरल और सीधा साधा शब्द है, माँ प्रकृति। जिस पंच पांचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, हवा, पानी, मिट्टी, धूप और आकाश, उन्हीं तत्वों से जो इलाज किया जाता है, जिसके अंदर में हमारे शरीर को ईश्वर ने अद्भुत यंत्र की तरह बनाया है, इसीलिए उसकी कॉपी भी नहीं हुई है। तो वो यंत्र को सुचारू रूप से उसकी सभी जो चीज़ें हैं वो काम करें, उसके लिए नेचुरल आउटलेट्स दिए हुए हैं हमारे शरीर में, जिसके द्वारा शरीर का कचरा, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। अब नहीं निकलेगा तो वो शरीर में ब्लॉक करेंगे वो नेचुरल आउटलेट्स और वो बनेगा डिजीज़। वो नेचुरल आउटलेट्स क्या है? जिसके द्वारा शरीर का कचरा निकलता है, आँख है, कान है, हमारा नाक है, मुँह है, इवन हमारी स्किन है। स्किन के द्वारा, हमारी त्वचा के द्वारा हम सांस लेते हैं, तो वो जो रोम छिद्रों के में भी क्लीन होना आवश्यक है। वहाँ से शरीर का कचरा निकलता है पसीना के द्वारा। ऐसे ही हमारा यूरिनरी ट्रैक और हमारा एनस, देर आर सेवन आउटलेट्स। अब उसको जब ब्लॉक होता है तो हम नेचुरोपैथी के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इन पंच महाभूत को बैलेंस करने के लिए वो ड्रेनेज को, गटर लाइन को क्लीन करते हैं। इट्स कॉल्ड डीटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को शरीर से हटाना है। और यही पंच महाभूत में से अगर एक भी तत्व हम निकाल दें तो फिर हमारा जीवन, हमारी लाइफ बचेगी ही नहीं। तो ये काम हम माँ प्रकृति के नाम से हम करते हैं, जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट, आफ्टर सो मेनी रिसर्च, जो अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट भी आए हैं और वैदिक ऋषि मुनियों के समय से जो परंपरागत चली आती विधाएं हैं, वो दोनों का हमने सुभग समन्वय किया है। और इसी के द्वारा हम भारत में प्रथम बार, हम दोनों डॉक्टर साहब और मैं, हम लोग ने नया एक पद्धति इंट्रोड्यूस किया, वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हीलिंग। दैट मीन्स कि हर एक ड्रगलेस थेरापी, बिना केमिकल का जो उपचार है, वो हम संकलित करके उसके द्वारा जीवन को निरोगी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर कपल है, उन्होंने सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने, जैसे मैडम ने बताया, इंटीग्रेटेड सिस्टम को आविष्कार किया है और उन्होंने भारत भर में 8 से भी ज़्यादा इस तरह के सेंटर्स क्रिएट किए हैं। तो डॉक्टर जॉय कुमार, जिसको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि कौन से डिजीज़ में किस तरह के पेशेंट को नेचुरोपैथी में तो आना ही आना चाहिए, वो आप ज़रा बताइए। ज़रूर डॉक्टर साहब, ऐसा तो हर एक रोग की एक कारण होता है और एक रूट होता है। सो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट, वी ट्राई टू रूट आउट द रूट ऑफ द डिजीज़। इसलिए लगभग आउट ऑफ 100 में 90% डिजीजेस नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अफकोर्स डॉक्टर साहब ने पूछा कि कमन डिजीजेस में कहो तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़, मॉडर्न लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, सो कॉल अभी हमारे पाचन तंत्र की जितना भी रिलेटेड इश्यूज है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस है, कोलाइटिस है, अल्सर है, और इवन द पाइल्स,
देन ऑफकोर्स उसी से कनेक्टेड में अपन अपना जो आजकल जो बहुत कॉमनली होता है कि हम लोग को रिफ्लक्स होता है, GERD, दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स. सो दीज आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ GIT रिलेटेड इशूज. एंड द अदर पार्ट लाइक जैसे हमारा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड में अभी इवन ओबेसिटी, देन कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, देन डायबिटीज हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन एलिमेंट्स फॉर एवरी कॉमन पीपल्स. तो पहले नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. इसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल. सो वी ट्राई टू चेंज द लाइफ स्टाइल एंड वी करेक्ट द रूट ऑफ द डिजीजेस एक्चुअली. तो दीज आर द बेसिक जो डिजीजेस है जो हमारा नेचुरोपैथी में आना ही चाहिए. जब तक आप हमारा लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं होगा, ये डिजीज कभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. बाकी तो ऐसे बहुत डिजीज हैं, लेकिन दीज आर द कॉमन डिजीजेस. तो मैंने यह देखा कि यहाँ जो मसाज वगैरह तो होता ही है, लेकिन सुबह से रात तक पूरा जो शेड्यूल होता है, षट क्रिया बोलते हैं, षट क्रिया से लेके योगा एंड मसाजिज, इसके साथ यहाँ फिजियोथेरापी सेंटर भी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारा यहाँ एक ही रूप में आपको सारी ट्रीटमेंट मिल जाएगी. और मैडम ने जो डिटॉक्स के लिए बात किया, तो मैडम डिटॉक्स तो शरीर का आपने बता दिया कि 7 जगह से डिस्चार्ज हो जाए तो नॉर्मल है, लेकिन माइंड का डिटॉक्स, अभी लोगों के मन में राग द्वेष जो भी है उसके, और आपका ये स्पेशल सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ, तो उसके बारे में बताइए मैडम. जरूर जरूर डॉक्टर साहब, शरीर का रोग है ना जो, वो तो हमें इंडिकेशन देता है, तो हमें उसका इलाज करना है. फीवर हुआ या डायरिया हुआ या BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, लेकिन हमेशा हमारे द्वारा जो इग्नोर हुआ है वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर फिजिक, हमारी सर्वांगीण हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और वो हमेशा हमने ध्यान रखना चाहिए. जैसे एक बात मैं बताऊँ आपको कि कोई भी हमें स्ट्रेस आता है, तो जब कभी कभार आता है या गुस्सा आता है कभी कभार आता है, तो उसको माना जाएगा कि एक्यूट है. सो वो कभी कभार हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है कि अचानक से कोई शेर सामने आ गया तो फ्लाइट और फाइट का मोड आ गया, या तो हम भागे फ्लाइट पकड़ के या तो हम फाइट करें. सो उस समय पर हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस हमारे शरीर के बचाव के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन कभी कभार वो एक्यूट स्ट्रेस है, ठीक है. लेकिन आजकल की जो लाइफ है उसके अंदर में स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर. 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के वृद्ध तक सबके पास में स्ट्रेस है. सो व्हाट कैन बी डन फॉर आवर स्ट्रेस, वन कैन रिलीज स्ट्रेस बाय देयर ओन वे, ये सीखना है हमें. और वही जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. हम अपने आप से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हमारे सराउंडिंग से इतनी सारी हमारी अपेक्षाएं हैं, और जब भी वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, ये यहाँ है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ है और हमारी जो कंडीशंस है वो नीचे है. सो उसको मिलाने के लिए हमें अपेक्षाओं को नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी मिट आउट होगा और स्ट्रेस निर्मूल होगा. क्योंकि स्ट्रेस जब आता है तभी, जैसे मैंने बताया, सो वो जब क्रॉनिक होने लगता है तो हार्मोनल चेंजेस में सबसे पहले तो कॉर्टिजोल बढ़ जाता है हमारे शरीर में और एड्रेनलिन बढ़ जाता है. उससे होता ये है कि शुगर इज़ एनर्जी सोर्स, तो वो जब स्ट्रेस आता है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में. अब जब एक से ज़्यादा उसमें संतृप्त हो जाता है शुगर से, तो इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, रेजिस्टेंट आ जाता है. फिर फ्री शुगर ग्लूकोज में जो है वो बॉडी में घूमता है, इट्स कॉल्ड डायबिटीज़. और शरीर में इंसुलिन जो है, इट की है जो वो सेल में ग्लूकोज को एंट्री कराता है. अब वो तो रेजिस्टेंस आ गया, तो उसके द्वारा जो एनर्जी बॉडी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी. सो हमें लगेगा कि शरीर में शक्ति नहीं है तो कुछ खाया जाए. एक ही सोर्स है हमारे पास में कि खाएं, इनपुट करें, तो बॉडी को शक्ति मिल जाएगी, और वो आएगा स्ट्रेस हंगर. विशेष साइकिल क्रिएट हो रहा है, हम एक्स्ट्रा
स्ट्रेस हंगर से जब खाते हैं तो हमारी विवेक बुद्धि से तोल के नहीं खाते हैं, उस समय पे जो मिलता है, जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, और उसी से बॉडी में ओबेसिटी तो आती ही है लेकिन डाइजेशन के इश्यूज भी पैदा होते हैं और एसिड का लेवल बढ़ जाता है। एसिड एक फायर की तरह, पित्त कहो एसिड कहो, एक आग की तरह हमारे शरीर में नुकसान करता है। हमारे ब्लड जो है हमारा, वो क्या होता है, बॉडी में जैसे फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, ऐसे ब्लड हमारे शरीर को नरिशमेंट देता है। वो ब्लड अल्कलाइन होना चाहिए, तो वो जब भी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है तो वो ब्लड अल्कलाइन के बदले एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक ब्लड जहाँ जहाँ पे भी जाता है हर एक सेल टिश्यूज़ को वो डैमेज करता है। इसी तरह से ये जो स्ट्रेस है वो हमारे एक आस्तीन का सांप कहते हैं ना, ऐसे हमारे जीवन को ग्रसित कर लेता है और हमें पता तक नहीं चलता है। इसीलिए हमें पूरे दिन का हिसाब किताब, जो हमारा तनाव है, उसको डे बाय डे का निवारण कर देना चाहिए अपने एक अनोखे आइडियाज़ के द्वारा। किसी को संगीत सुनता है तो स्ट्रेस रिलीज होता है, किसी को कोई अच्छा काम करते हैं तो होता है, किसी को पिक्चर बनाने से मतलब अच्छा सा ड्राइंग पेंटिंग बनाते हैं, तो अपना अपना ये हॉबी बनाना चाहिए। और कुछ नहीं हो तो रात को सोने से पहले ईश्वर को समर्पित करके कि तू ही और तू ही, वी ऑल आर पपेट इन हिज हैंड ना, तो तू ही और तू ही, तू संभाल और हम सबको एकदम अच्छा जीवन दे, ये भावना के साथ में हम जब सोते हैं तो स्ट्रेस निवारण होना थोड़ा अच्छा हो जाता है। बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह से हमारी अपेक्षाओं से हम दुखी होते हैं और उससे डायबिटीज और जो भी ब्लड प्रेशर जैसे डिजीज का कितना अच्छा समन्वय बताया उन्होंने कि हमें पता भी नहीं है कि हम यहाँ दुखी हो रहे और इसकी इफेक्ट डायबिटीज पे या ब्लड प्रेशर पे हो रही है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने लैक्स ऑफ पेशेंट देखे हैं आपकी प्रैक्टिस 35 ईयर्स के प्रैक्टिस में, आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहोगे कि ये चीज़ें तो खाने में अवॉइड ही करना चाहिए, या तो हमारी बहनें जो देख रही है जो रेगुलर कुकिंग करती है उनको कुछ आप ऐसी टिप्स देना चाहोगे कि जो रोज़ बरोज में वो रूटीन में अप्लाई कर पाए और खुद का और अपने पूरे फैमिली का अच्छा वो हेल्थ कर सके। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड दिस इज़ द बेसिक। एक्चुअली हम लोग बहुत इसको इसके प्राइम एक्चुअली थी एक प्राइम जगह पर हम लोग वर्क करते हैं उसी पे, दैट इज़ वाई नेचुरोपैथी में फूड इज़ कंसिडर एज मेडिसिन। हम कहते हैं कि आहार ही औषधि है, क्योंकि आहार से खून बनता है, खून ही हमारे जीवन दान देते हैं। तो जब आहार जो हम खाते हैं उसी में से जो खून बनेगा वो सही खून नहीं बनेगा तो हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। दैट इज़ व्हाई वी कंसिडर दैट फूड इज़ टू बी टेकन एज मेडिसिन। लेकिन फूड को हम कैसे एज ए मेडिसिन लेना है तो हमें कुछ उसकी नॉलेज होना चाहिए। फूड हैज़ द टू पार्ट्स, वन इज़ द अल्कलाइन, अनदर वन इज़ द एसिड। तो कितनी अल्कलाइन और कितनी एसिड हमें लेना चाहिए, एज पर द न्यूट्रिशनल साइंस, एज पर द मेडिकल साइंस के हिसाब से भी इफ यू लुक इनटू हमारा जो खाना है उसमें 80% हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अल्कलाइन एंड 20% हैज़ टू बी पार्ट ऑफ एसिड, तभी ये हमारा बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की जो लेवल है वो प्रॉपर मैनेज कर पाएगा और हमारा शरीर की हर अंग हर सेल टिश्यू को अपना खुराक मिलेगा। लेकिन हम खाते हैं कुछ और हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और, हम खा रहे हैं एसिडिट और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्कलाइन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए दिस इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट आर द अल्कलाइन डाइट एंड व्हाट आर द एसिडिट डाइट, वो हमें होना मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल पे हम बात करते हैं अल्कलाइन डाइट, किस किस हमें अल्कलाइन डाइट मिलता है। अल्कलाइन डाइट मीन्स दैट ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मैक्सिमम ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट सिट्रस फ्रूट्स और अपना जो सलाड्स, दीज आर बेसिकली ऑल द अल्कलाइन फ्रूट
एंड एसिडिक फूड में हम लोग दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, मिठाई खाते हैं और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो हम लेते हैं ये सब हमारा एसिडिक फूड के अंदर आता है। तो हमारा भोजन में सब्जी की मात्रा और फलों की मात्रा और सलाद की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए सो डैट वी गेट मोर अल्कलाइन देन द एसिडिक, तभी हमारा ब्लड के अंदर वो एसिडिक होगा। तो आप माँ बहनों हम लोग खाना बनाते हैं तो उस समय ज़रूर ये ध्यान रखिएगा हमारा भोजन जो आप बना रहे हो अपने परिवार के लिए उसमें एसिडिक ना हो और अल्कलाइन ज़्यादा हो, तभी सभी को स्वस्थ हो पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैडम ये क्वेश्चन मैंने सासुर को पूछ लिया लेकिन आप भी तो कुकिंग करते होगे घर पे, तो आप क्या सलाह दोगे? डेफिनेटली एज ए डॉक्टर एज ए नेचुरोपैथ एंड एज ए लेडी मैं एक आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूँगी कि 3 are white poison, सफ़ेद जहर है, उनसे हम मैक्सिमम बचना चाहना चाहिए। एक है सबसे पहला वो है मैदा और दूसरा है सफ़ेद नमक और तीसरा है शुगर। सो ये तीनों चीज़ों को हमने अपने जीवन से निकाल नहीं सकते तो उसको मिनिमाइज़ यूज़ कीजिए, क्योंकि मैदा जो है वाइट फ्लोर फाइन फ्लोर वो क्या करता है हमारी आंतों में सीमेंट की तरह चिपक जाता है और हमारी आंतों में मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक एंड एंटी पेरिस्टाल्टिक, जो GI ट्रैक जो हम माउथ टू एनस का जो ट्रैक है पाचन तंत्र है उसमें जब वो अंदर खाना जाता है तो वो आंतों में चिपक जाता है और वो मूवमेंट रिस्ट्रिक हो जाती है। सो अगर वो रिस्ट्रिक होगी तो देर इज़ नो चांस फॉर एनी एब्जॉर्प्शन और उसको आगे भी नहीं धकेला जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है संकोचन और प्रसरण आंतों में। तो ये चीज़ को नमक को हम कहते ही है सफ़ेद जहर है और आजकल तो मिलेट का ज़माना है, सो मिलेट की तरफ में हम जाएं और हमारे जो पूर्वज बाजरे की रोटी मक्का की रोटी ज्वार की रोटी खाते थे सो उसी तरफ में हमारे शरीर को हम और न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और उसी के साथ में एक बहनों माताओं को मैं एक अच्छी सी रेसिपी बता देती हूँ। रोटियाँ हम बनाते हैं तो रोटियों को हम आटा गूंदने से पहले वेजिटेबल्स की प्योरी बना सकते हैं, जैसे बीट है जैसे पालक है हर एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, कुछ नहीं है तो लौकी बहुत आम मिल जाती है उसको मेक अ प्योरी ऑफ दैट वेजिटेबल एंड उसी से अपना डो मेकिंग करें अपना आटा गूंदे, वो बन जाएगी वेजिटेबल चपाती और बच्चे से लेके बड़े सब कोई बिना कोई झिकझिक से वेजिटेबल्स भी उनके पेट में चला जाएगा। और फाइबर तो ग्रेट है पाचन तंत्र के लिए, तो उसी हिसाब से आपके शरीर में फाइबर जाएगा और ब्लड जो है वो अल्कलाइन बनेगा। बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअल मैं मुझे कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है, फिर भी मैं हमेशा नेचुरोपैथी सेंटर में ही विजिट करता हूँ अपना वैकेशन के लिए। और अभी ये वीडियो शुरू करने पहले डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ जो वाइब्रेशन मिलते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में वो बहुत प्योर वाइब्रेशन होते हैं। और अगर आप रिसोर्ट में जाओगे तो रिसोर्ट की सारी फैसिलिटी यहाँ है, यहाँ अच्छा खाना है अच्छा रहना है और साथ में आपकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। तो वहाँ आप रिसोर्ट में जाओगे तो डिजीज़ को ज़्यादा लेके आओगे और यहाँ डिजीज़ से मुक्त होके जाओगे। और सर आपको एक क्वेश्चन ये है कि आपने इतने 8 सेंटर्स डेवलप किए हैं तो नेचुरली है कि एक के बाद कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव किया ही होगा, तो यहाँ ये 8 सेंटर के बाद ये जो सेंटर्स बनाया है उसमें क्या स्पेशल है और यहाँ की ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। आत्मनिर्भर जो नेचुरल क्योर है सेंटर, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि यहाँ स्पेशल क्या है और क्या ट्रीटमेंट पार्ट है। ज़रूर, आत्मानिम हमारे लिए एक अभी तक की लास्ट इंस्टीट्यूट है जो हमने अभी तक की डेवलप किया उनमें से। और नॉर्मली हम हर एक नेचुरोपैथी सेंटर की तरफ देखें और उनके वहाँ पे कितने टाइप्स की ट्रीटमेंट है और फैसिलिटी देखा जाए तो बेसिकली 40-60 रेंज में रहता है। और हमारा आत्मानी में वी हैव 90+ थेरापीज़
ये जो 90 प्लस थेरेपीज़ हैं, दिस आर सो मैनी एडिशनल थेरेपीज़ है। जैसे उसमें नेचुरोपैथी की तरफ हमारा नियर अबाउट 60 थेरेपीज़ है, और हमारा 20 to 25 तो हमारा केरला की पंचकर्म की ट्रीटमेंट होता है। ऑन एंड अबव हमारा फिजियोथेरापी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, राग थेरापी, साउंड थेरापी, योगा, मेडिटेशन, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ थेरापीज। इफ वी कीप ऑन एड, इट इज़ मोर देन 90 प्लस थेरापीज। दिस इज़ द वेरी स्पेसिफिक फॉर आत्मानी, नंबर वन। नंबर टू, देर आर अ वेरी स्पेसिफिक जो फैसिलिटी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, वो है आज के समय पे लोगों को एक वेट लॉस के एक बड़ा चैलेंजेस रहता है, और मेल और फीमेल पे, तो हमारे यहाँ एक मशीन हमने एड ऑन किया है, क्रायो लाइपोलाइसिस। सो आई थिंक वी आर द ओनली वन नेचुरोपैथी सेंटर्स इन इंडिया वेयर वी हैव गॉट दिस फैसिलिटी। सो दिस आर वेरी डिस्टिंक फैसिलिटी। एंड सेकेंड वन इज दी वी हैव राग थेरापी एंड साउंड थेरापी एज वेल। सो राग थेरापी एंड साउंड थेरापी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्पेशलाइज थेरापी फॉर द स्पेशली फॉर द मेंटल हेल्थ पर्पज। तो दीज आर द बेसिक हमारा जो एडिशनल एंड एक्स्ट्रा एडिशनल थेरापीज है हमारे यहाँ। तो ये डॉक्टर कपल ने बोल सकते हैं कि अपने साइंस के लिए, नेचुरोपैथी के लिए है, भारत भर में भ्रमण किया है, उन्होंने अपने बच्चे को फ्यूचर को भी थोड़ा साइड में रख के अपने साइंस को आगे किया है, और सच में जो नेचुरोपैथी की अवेयरनेस है उन्होंने लोगों में जागरूक की है। और कई लोग नेचुरोपैथी सेंटर को देख के, वहाँ की फैसिलिटी को देख के वहाँ जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि डॉक्टर साहब का नाम सुन के, कि डॉक्टर जॉय कुमार या डॉक्टर विराज कुमारी जी कहाँ पे हैं, वहाँ जाके वो नेचुरोपैथी सेंटर में वो जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। और यहाँ मैं रुका हूँ ये आत्मनिम नेचर केयर सेंटर में, तो यहाँ खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, और बेशक डॉक्टर साहब अच्छे हैं, और उनकी ही निगरानी में पूरा सेंटर तैयार हुआ है, तो ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एज ए डॉक्टर, और एज ए यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी डिजीज़ के लिए अगर आप कोई भी सेंटर में जाना चाहते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में, तो राजकोट में आत्मनिम करके जो ये सेंटर है वहाँ आप ज़रूर आइए, आपको ये जगह कभी निराश नहीं करेगी, आपको एक नया जीवन देगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैडम।